हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट रॉकर्स के 235 V2 कॉलर बैंड के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो चलो यार देख लेते हैं। इन ईयरफोन्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर आप सबसे बेस्ट एक ईयरफोन्स बता दो। बट मैं उन लोगों को तब भी यही पूछता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसीलिए मैं तब भी आपको अभी भी स्टार्ट करने से पहले ये बताने वाला हूँ कि रिक्वायरमेंट सबसे पहले समझो आपकी कैसी है। सबसे पहले अपना ईयर टाइप समझो, आपके ईयर में कौन से वाले ईयरफोन्स या हेडफोन्स जो कंफर्टेबल होते हैं। ईयरफोन्स की बात करो जैसे दो टाइप के होते हैं, हाफ इन ईयर एंड इन ईयर। हाफ इन ईयर जिनको नहीं पता मैं दिखा देता हूँ एक इमेज, और इन ईयर जो होते हैं वो प्रॉपर एक रबराइज कोटिंग वाले होते हैं वो लगते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे कानों में तो इन ईयर ही बेस्ट रहते हैं, और वैसे भी ओवरऑल इन ईयर थोड़े से ज्यादा कन्वीनियंट रहते हैं, थोड़े से ज्यादा एक स्नग फिट बनाते हैं और एक अच्छा एक मतलब क्या कहते हैं एक वैक्यूम पूरा ब्लॉक कर देते हैं, एक अच्छा सा एक एरिया आपको आपके लिए मतलब एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिससे कि बाहर की नॉइस नहीं आती। और जो और उसके साथ आपके जो क्वालिटी होगी ड्राइवर्स की और बाकी चीज़ आपके हेडफोन्स ईयरफोन्स की अच्छी होगी तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले ईयर टाइप आपका चेक करो कि क्या है कंफर्टेबल, दोनों टाइप के यूज करके जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो मुझे बताओ कि आपको क्या चाहिए, इन ईयर में चाहिए। और मेरे को ये बताना आपको कॉलर बैंड प्रेफरेबल रहता है या फिर ये TWS वाले। तो अब बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स के बारे में। इनको मैंने लिया था अभी रिसेंटली जब फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी, मतलब रिपब्लिक डे सेल में खरीदा था। मैं उससे पहले से यूज करता था ये बोट रॉकर्स 255, पहले इनको रख देता हूँ। तो मैं पहले से ये दो साल से यूज कर रहा हूँ, 2018 में अराउंड खरीदा था, तब मैंने फ्लिपकार्ट की सेल में ही खरीदा था इन्हें, तब मेरे को 900 के पड़े थे ये। और मैंने इनको अभी लॉकडाउन तक यूज किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और इनका जो क्वालिटी था वो अच्छा था, डिसेंट था, बेस भी ठीक था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि यार 1000 रुपये में आप क्या ही लोगे। और जो इसका बिल्ड क्वालिटी थी ठीक थी, प्लास्टिक ही थी, बट बहुत रफ एंड टफ यूज किया मैंने। मैं इसको ट्रैवलिंग करा है, मैंने दिल्ली में मेट्रो में ही ट्रैवल करता हूँ तो उसके लिए भी बहुत सही था एंड कोई इश्यूज नहीं आया। चाहे बहुत ज्यादा वेयर एंड टियर इसने झेला है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब कि मैंने तो भाई 2 साल ऐसे निकाले, मतलब इसको पहन के मैं सो भी गया हूँ तब भी कुछ नहीं हुआ। एंड इसके मैग्नेट की क्वालिटी भी देखो अच्छी थी। एंड साउंड की बात करूँ तो जो बोट का है एकदम एक मतलब एक ही सेम लेवल का रखता है। तो बोट साउंड क्वालिटी को हम साइड में रखते हैं, जो कि मैं 235 वर्जन 2 के बाद साथ बताऊंगा 235 वाले के साथ। तो साउंड क्वालिटी को भी साइड में रखते हैं, अभी हम बिल्ड की बात करते हैं। इसके बारे में बात करूँ तो काफी डिफरेंस है दोनों में। उनका जो है ये जो नेक बैंड है वो अच्छी क्वालिटी का है थोड़ा सा। और इसमें जो मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे आपके बटन्स हैं, पुराने वाले को रख देते हैं। यहाँ पे आपके सारे बटन्स हैं, प्ले पॉज का है, रिवर्स का है, वॉल्यूम अप का है, सारा है। और यहाँ पे माइक है, यहाँ पे इसका चार्जिंग है। यार मैं जो डिसअपॉइंट हुआ वो ये है कि यार इसमें भी कहीं ना कहीं इनको यार टाइप सी पोर्ट देना चाहिए था, वो नहीं दिया। तो USB पोर्ट है बट फास्ट चार्जिंग वाला है कि आप 20 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 4 घंटे का प्लेबैक मिलेगा, ऐसी चीज़ें भी बोट ने क्लेम करी। मैंने ट्राई किया, मतलब डिसेंट है। बाकी माइक्रोफोन की बात करो तो माइक्रोफोन भी इसका अच्छा है, डिसेंट क्वालिटी का माइक्रोफोन है। मैंने पुराने वाले 255 में भी ट्राई किया था, इसमें भी ट्राई किए, कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से बात कर सकते हो। बट हाँ डेफिनेटली अगर ट्रैफिक में चल रहे हो, रोड पे सड़क पे चल रहे हो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉइस कैप्चर करेगा, वो तो यार नॉर्मल है, वो करेगा ही करेगा क्योंकि इतना हाई एंड इसके अंदर हार्डवेयर नहीं डला हुआ। वैसे यूजुअली कितना 1100-1200-1300 समथिंग कुछ आता है, एग्जैक्ट जो रेटिंग मैं डाल दूंगा। उसके अलावा जब सेल पड़ती है तो मेरे को ये अराउंड 900 रुपीज का पड़ा, तब मैंने खरीद लिया इसको टेस्ट करने के लिए। तो इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम जरूर मेरा फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ। और जितनी भी सेल्स हुई थी अगर आपको प्राइस कंपेयर करना है कभी उनसे, तो आप मुझसे तो कभी भी आप DM करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई दे दूंगा, मैं उसमें ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। बाकी यार वर्क के साथ साथ रेगुलर नहीं डाल पाता वीडियोज़, पर मैं ट्राई करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डालूँ। अभी थोड़ा सा गैप आ गया था इसीलिए जब भी कुछ भी आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, नया खरीदना है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं ऑन द स्पॉट सबसे बेस्ट चीज़ आपको ढूंढ के बता दूंगा, रिप्लाई भी कर दूंगा। और मेरे जो अकाउंट है उसके अंदर मैं हाइलाइट्स में अपने पुरानी जितनी भी मैं सेल्स की डील्स डालता रहता हूँ वो वहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई भी ईयरफोन्स मिलता है फ्लिपकार्ट पे, अगर ये 1000 रुपये का पड़ रहा है अभी, वो बोलेंगे सेल है। बट अगर आप मेरी स्टोरी में जाके चेक करोगे उसका मैंने उस टाइम पे डाला है, तो आपको पता चल जाएगा रेगुलर रेट कितना होता है, सेल रेट में मिनिमम कितना गया है।
तो आपका फायदा हो सकता है। इसीलिए मैं हाईलाइट्स पे भी डालता रहता हूँ सारी डील्स की, जितनी भी होती है मैं हाईलाइट्स पर अपनी सारी स्टोरी सेव करके रखता हूँ, तो प्लीज उसी पे जरा चेक कर लेना कुछ भी खरीदने से पहले। तो अगर अभी मैंने इन ईयरफोन्स को आपके सामने पहन लिया वीडियो में, अब मैं बता दूं इनके दोनों ईयरपीस में यहाँ पे लेफ्ट और राइट का इंडिकेटर दिया है, मुझे बोट का काफी अच्छा लगता है, पूरा बता के चलता है कि कोई कंफ्यूज ना हो। देखो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे इन ईयरफोन्स को, एक अच्छा खासा फिट बनता है और एक अच्छा खासा होल्ड है, क्योंकि इसके अंदर एक विंग्स टाइप है ये जो आपके कान के अंदर यहाँ पे फिट हो जाते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कितना भी भागो रन करो कुछ नहीं। और ये तो एक मीडियम साइज बाय डिफॉल्ट लगा हुआ आता है, अगर आपका कान का साइज छोटा है तो एक स्मॉल ईयरबड भी और एक लार्ज है तो एक लार्ज भी रखा होता है, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप टेस्ट करके चेंज कर सकते हैं और ये आपको बेस्ट टू बेस्ट फिट देगा। मैग्नेटिक क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी अच्छा है, ये मतलब प्रीवियस जनरेशन जैसा ही है, देखो एकदम स्नग फिट है एकदम, और अच्छा खासा होल्ड रखता है, गिरता नहीं है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल TWS होते हैं उनमें लोगों को ये डर होता है, जैसे कि मैं मीवी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इनमें प्रॉब्लम यही होती है कि आप लेके चल रहे हो गलती से संभालना पड़ता है गिर गया, तो इसीलिए इसको हमेशा बॉक्स में रखना पड़ता है, कभी कभी गिर जाता है सोते समय, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप भाग रहे हो कुछ भी कर रहे हो ऐसे करके चलो तो कोई टेंशन नहीं होती, तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रेफर भी करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की, जो कंट्रोल्स है इसके अंदर जो वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड प्ले पॉज जो है वो सारे के सारे लेफ्ट में यार, मतलब पहले जो प्रीवियस जनरेशन जो मैं यूज़ कर रहा था 255F उसमें थे सब राइट में, तो राइट के साथ होते होते क्या होता था, जैसे मैं राइट ही हूँ तो कोई टेंशन नहीं होती थी, सीधा कान पे लगा हुआ है हम सुन रहे, यहाँ से किया क्लिक प्ले पॉज जो भी करना है कर लिया, गूगल असिस्टेंट भी ट्रिगर हो जाता है अगर हार्ड प्रेस करके रखो तो सारी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट थी। बट इसके अंदर मुझे 235 में उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि उतना यूज टू नहीं हूँ मैं बेसिकली, ये नहीं कह रहा गलत चीज़ है, बट अगर राइट में होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता, और मोस्टली हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे हेडफोन्स ईयरफोन्स में राइट में ही रखते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारा जो हाथ होता है वैसे ही जाता है यूजुअली, बाकी यूज टू तो हो ही जाऊंगा डेफिनेटली, तो मुझे ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी। और एक और चीज़ बताओ, इसके अंदर जो प्रीवियस वर्जन में नहीं था इसके अंदर क्या ऐड किया हुआ, इन्होंने कॉल अलर्ट दे रखा है, मतलब कि जब भी आप कॉल करोगे आपके पास कोई भी कॉल आएगा तो पूरा बैंड वाइब्रेट होता, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वाइब्रेशन मोटर की बात करो तो बहुत ज़्यादा ही आवाज़ है, तो ठीक है एक तरीके से वो भी अलर्ट मिलता है जो कि हमारे प्रीवियस जनरेशन में नहीं मिलता था, कि कॉल आए तो आपको पता नहीं चलेगा आपके फ़ोन के रिंगटोन से ही या वजह कॉल अपने फ़ोन को वाइब्रेशन पर रखा है, फ़ोन आपके पास है तभी पता चलेगा, बट इसका यह कि आप इतना जितना एक ब्लूटूथ का रेडियस होता है उतना अगर आप एक ही रूम में फ़ोन कहीं पड़ा है, आप कहीं बैठे हो, आप आराम से यूज़ कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, अचानक से फ़ोन आया तो आपका ये वाइब्रेट करेगा बैंड, जो कि मुझे काफ़ी एक अच्छा एक एडिड एडवांटेज लगा मुझे, जो कि सही है। पर कभी कभी जो अलर्ट होता है ना वाइब्रेशन में कुछ ज़्यादा आवाज़ करता है, बट ठीक है मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, एक एडेड एडवांटेज ये कि आपको पता चल जाता है कि इंटीमेट कर देता है कि आपका कॉल आ रहा है, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, जो कि मतलब इंस्टेंटली कनेक्ट कर देता है, बाकी जनरली कुछ टफ प्रोसेस नहीं है इसको कनेक्ट करने का। ब्लूटूथ ऑन किया, इसका सेंटर बटन दबा के रखा, ब्लूटूथ आया 235F वर्जन 2 के नाम से क्लिक करो, पेयर हो जाएगा सिंपल एंड क्लियर, एंड नेक्स्ट टाइम से ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, कनेक्शन में कोई ड्रॉप्स नहीं है। अब बात करते हैं मेन एक ईयरफोन या हेडफोन लेते समय हमारे लिए क्या मेन कंसर्न होता है, वो होता है साउंड क्वालिटी का। तो जो साउंड क्वालिटी होती है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ 10mm का एक ड्राइवर लगा हुआ है जो कि अच्छा खासे एक बेस देता है आपको, और इसके अंदर जो बेस है वो ना ओवर पावर कर देता है कभी कभी जो आपके मिड्स एंड हाई टोन्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलो 80+ या 90+ आप वॉल्यूम रखोगे तो उस पर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस एंड डिस्टॉर्शन आपके कानों में फील होती है, कुछ क्लैरिटी नहीं रहती, बस थम थम आता रहता, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट जब मैंने इसको 70-80 के बीच में रखा तो मुझे बेस मतलब एकदम मतलब ऐसा था कि डिसेंट बेस क्वालिटी थी आपको फील हो रहा है, थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन पता चल जाता है अच्छा है, एंड 900 रुपये के हिसाब से जो बाकी के जो मैंने यूज़ किए बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उससे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर बाकी चीज़ों की बात करूँ तो मिड्स एंड लोस मतलब वो डिसेंट रहते हैं, हाई टोन्स मैंने बता दिया, अगर नॉर्मल आप वॉल्यूम में सुन रहे हो तो डिसेंट रहेगा, और ये उनके लिए प्रिविलेज रहेगा जिनको रनिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, जो वर्कआउट्स एंड रनिंग सब करते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हैं या रनिंग भी कर रहे हैं तो अपने दोनों कान में रख लिए, एंड वापस काम खत्म हुआ या कुछ भी उठा रहे वेट लिफ्टिंग कर रहे हो कान में रख लिया, कुछ बात करने नीचे रख लिए, कोई टेंशन नहीं है। और 900 रुपये के हिसाब से यार क्या ही जाता है, उस हिसाब से एक अच्छा एक डिसेंट क्वालिटी का आपको साउंड सिग्नेचर देखने को मिलता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा है, अगर आपको खाली कोर साउंड के लिए नहीं सुनना और गेमिंग के लिए नहीं सुनना। हाँ मैं पहले बता देता हूँ, गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेटेंसी है मत सोचना, गेमिंग के लिए ही प्रॉपर बने हुए नहीं है, गेमिंग के लिए गेमिंग हेडफोन्स अलग होते हैं, तो लेटेंसी की बात करो तो थोड़ा बहुत ड्रॉप आता है, लेटेंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। मैंने इसमें COD खेल के देखा था खाली, 4G तो मुझे उतनी पसंद नहीं है, मैंने खेल के देखा, पहले सोचा था 4G इसमें ट्राई करूंगा, बट कुछ है ही नहीं उसमें, उतना कुछ था नहीं उस टाइम पे, तो मैंने उस पर उतना ज़्यादा कुछ करा नहीं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली मत लेना,
बाकी चीजों के लिए ठीक है, मैं इसको पुराने वाले जनरेशन से मैं कंपेयर कर चुका हूँ, तो साउंड सिग्नेचर मतलब कहीं तक कहीं हद तक वैसे ही है। जो इसमें एडिशन लगी है मेरे को वो है कि कॉल वाइब्रेशन अलर्ट मिल गया हमें, और थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी और इम्प्रूव कर दी, थोड़ा सा और बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग कर दी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पहले वाले जनरेशन में जो मैंने नोटिस किया वो यहाँ था, जैसे आपका एक खत्म होता है वहीं से इसकी वायरिंग शुरू थी, बट इसमें देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट है और इसकी जो वायरिंग है वो अलग ऊपर से आ रही है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ा सा और इसको ड्यूरेबल बना देता है, क्योंकि इसके एंड से नहीं है, पहले एंड से होता था तो कभी कभी ईयरफोन्स वहाँ से मतलब टूट जाते थे, तो इसके साथ ऐसा नहीं है। देखो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही अलग है, ऊपर से इन्होंने बना रखा है एक रबर का कोटिंग वहाँ से निकाल रखा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीचे से पूरे फ्री है, तो थोड़े से जो इसकी जो लिमिटेशन थी वो इन्होंने इसमें फुलफिल कर। और अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आपको बहुत ज़्यादा साउंड डिटेलिंग में नहीं जाना तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप रनिंग एंड एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आपको एक TWS में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता तो डेफिनेटली इस पे जाओ। और अगर गेमिंग की बात करो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है लेटेंसी के एंड ऑल के में इसमें, मतलब ठीक ठाक आपका हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे एज अ होल बहुत अच्छा ईयरफोन है, 900 रुपये के हिसाब से सारी इसमें चीज़ें हैं, ब्लूटूथ भी अच्छा है, सारी चीज़ें एक मतलब एक क्या कहते हैं पैकेज है, कंप्लीट पैकेज अगर 900 रुपये के अंदर मिल रहा है तो मतलब यार ले लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं डील्स डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ ग्रैब कर लेना अगर ये 900 रुपये मिल रहा है, कोई नुकसान नहीं है आपका, खरीद सकते हो। और आपकी कोई सजेशन है कि आपने भी कोई कितने पर्टिकुलर रेंज में कोई अच्छे खासे ईयरफोन्स या हेडफोन्स देख रखे हैं और आप कंफ्यूज है अच्छे हैं नहीं है, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर दो या फिर DM कर देना इंस्टाग्राम पे, वहां से मैं उठा लूंगा, आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं वो खरीद लूंगा प्रोडक्ट, यूज़ करूंगा, फिर अपना रिव्यू शेयर करूंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे को कर देना यार, कोई इशू नहीं है, मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, खरीद सकते हैं आप, कंसीडर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपके लिए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो पता ही क्या करना, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब और ज्यादा से लोगों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।